अखिल भारतीय अखाड़े परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का विवादित बयान, कहा दो बच्चों से ज्यादा संतान पैदा करने वालों को वांछित कर दिया जाए वोटिंग अधिकार से। योग दिवस के मौके पर प्रयागराज यमुना के जल में किया गया जल योगा, युवा तैराकों ने जल क्रीड़ा के साथ किया योग। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय सूबेदारगंज के रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी मनाया योग दिवस, योगा को दिनचर्या में शामिल करने का लिया संकल्प। यूपी के जेलों में भी योग दिवस पर कैदियों ने किया योगाभ्यास, कैदियों ने लिया योगाभ्यास का संकल्प। योग दिवस के मौके पर झूसी के अवर अभियंता अरुण निषाद ने अपने कर्मचारियों को कराया योगाभ्यास, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वन जीव प्रेमी अंकित टाजन ने बचाई नेल वाटर स्नेक की जान, शहर डीआरएम ऑफिस के पास रहने वाली एक महिला के घर से पकड़ा जहरीला सांप। जालौन के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह व कैलिया इंस्पेक्टर महेश कुमार का हुआ तबादला, अधिकारियों की विदाई पर नागरिकों का छलका आंसू। बुंदेलखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू राम दद्दा के नाम पर बनेगा प्रथम द्वार, आधारशिला वेद मंत्रों के उच्चारण के बाद रखी गई। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए चलाया जा रहा है अभियान, वैक्सीनेशन के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी, ये बातें बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने प्रेसवार्ता में कही। कन्नौज में पंचायत निपटाने गए प्रधानपति की गोली मारकर निर्मम हत्या, जिले के आला अधिकारी मौके पर, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। औरैया में दुकानदार ने दो पुलिसकर्मियों पर लगाया दबंगई दिखाने का आरोप, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, अधिकारियों ने कहा युवक हुआ है गिरकर घायल। खबर फास्ट में अभी बस इतना ही, आप देखते रहिए संगम न्यूज़।